मथुरा में मतदान से 24 घंटे पूर्व पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस को ये सफलता एक चेकिंग के दौरान मिली, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों से 5 पिस्टल, 5 तमंचे और 83 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये दोनों बदमाश अवैध असलाहों को लेकर दूसरे राज्य में सप्लाई करने जा रहे थे। वर्तमान में पुलिस द्वारा दूसरे राज्य से सटी सीमा पर वाहनों के आने जाने पर लगातार चेकिंग की जा रही है। चुनावों को देखते हुए पुलिस राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले ग्राम मुड़सेरस के रास्ते पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि तभी बाइक पर 2 युवक आए और पुलिस को देखकर सकपका गए। पुलिस ने बाइक को रुकवाया, जिस पर बीच में एक बोरा रखा हुआ था, और जब बोरे को खोला गया तो उसमें 32 बोर की 5 पिस्टल और 35 कारतूस, वहीं 315 बोर के 5 तमंचा और उसके 48 कारतूस रखे मिले। दोनों युवक इन हथियारों को लेकर राजस्थान की सीमा में सप्लाई करने जा रहे थे। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम इरफान खान और जाहुल खान, पुत्रगण जाकिर खान, निवासी हातिया बरसाना बताया। क्या नाम है तुम्हारा? जाहुल। कहाँ के रहने वाले हो? हातिया। तो क्या पकड़ा गया था आप पे? हथियार। कितने हथियार थे? 16। अच्छा, आपका क्या नाम है? इरफान है जी। आप कहाँ के हो? हाथी के। हाथी के बंदा मंगा रहा था। अच्छा, कितने हथियार पकड़े गए थे आप लोग? कहाँ कहाँ पे सप्लाई करने थे वो हथियार? जी डीक में, इकलेरा में। इकलेरा में। अच्छा, टोटल कितने दोनों पे मिले थे? 6 ही थे। पिस्टन तमंचे दोनों और कारतूस भी? ठीक।